हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे विश्व इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमें लगभग हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। सो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि इटली का एकीकरण किसने किया? तो ये किया था काउंट कावूर ने। किसने किया? काउंट कावूर ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका? सूडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो था वो संभव हो सका था। समाजवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी सबसे पहले जो समाजवाद है यानी सोशलिज्म है उसका प्रयोग किसने किया? तो वो किया रॉबर्ट ओवेन ने। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। 1001 चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? ये दिया जार निकोलस द्वितीय। कौन सा नारा दिया इन्होंने? एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा, जार निकोलस द्वितीय ने। बोल्शेविक शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ है बहुसंख्यक, यानी जो संख्या में ज्यादा हो। तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को तुर्की का पिता के नाम से जाना जाता है। किसे माना जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है वो कब हुई? तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी तक इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। और ये युद्ध लगभग 4 वर्षों तक चला, 1918 तक। कब तक? 1918 तक ये युद्ध चला था। ये भी होगा कि ये 4 वर्षों तक चला था। कितने देशों ने इसमें भाग लिया था? तो लगभग 37 देशों ने इसमें भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंस की हत्या। जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंस, उनकी हत्या कर दी गई थी, इसलिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था। तो एक मेन रीज़न यही था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कहाँ पर हुई थी? बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हुई थी। कहाँ पर? बोस्निया की राजधानी सेराजेवा में, ठीक है, सेराजेवो में हुई थी। किन दो खेमों में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया बट गई थी? ठीक है, दो खेमे थे, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। कितने खेमे थे? दो, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो इनका नेतृत्व किया था जर्मनी ने, ठीक है, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली आदि देशों ने भी इसका नेतृत्व किया। मित्र देशों या मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? तो वे थे इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, रूस और फ्रांस। कौन कौन से? इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कौन था? तो वो कहा जाता है बिस्मार्क को, ठीक है, जो कि जिसने ये जो गुप्त संधि थी उनकी शुरुआत की थी, वो की थी बिस्मार्क ने। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? ठीक है, ये हुआ था 1882 ईस्वी में। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? काला हाथ। कौन सी संस्था थी? काला हाथ, ये नाम हमें याद रखना है। रूस जापान के बीच युद्ध कब तक चला? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1904 से लेके 1905 तक, ठीक है, कब तक चला? 1904 से लेके 1905 तक रूस और जापान के बीच युद्ध चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस जापान युद्ध का अंत किसकी मध्यस्थता में हुआ? ठीक है, तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की अध्यक्षता से हुआ था। मोरक्को संकट कब सामने आया? 1906 में। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। मोरक्को संकट कब सामने आया था? 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया? 1 अगस्त 1914 को। कब किया? 1 अगस्त 1914 को। जर्मनी ने फ्रांस पर कब हमला किया? 3 अगस्त 1914 को। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 8 अगस्त 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुड्रो विल्सन। कौन थे? वुड्रो विल्सन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था। कब से? 1914
1914 से लेके 1918 तक। आगे देखते हैं, किस घटना के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ? जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड लुसिटानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद, ठीक है, ये एक घटना है, अमेरिकी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, जो अमेरिका है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एक घटना के कारण शामिल हुआ था, क्योंकि जो लुसिटानिया जहाज पर मरने वाले व्यक्ति थे वो 1153 लोगों में 128 व्यक्ति कौन थे, अमेरिकी थे, इसलिए जो है वो भी इस युद्ध में शामिल हो गए। मित्र राष्ट्र की तरफ से विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 26 अप्रैल 1915 को। विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 11 नवंबर 1918 को। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, कब खत्म हुआ? 11 नवंबर 1918 को। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? 18 जून 1919 को। कब? 18 जून 1919 को। पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? 27 देशों ने। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की जाए तो उसमें 37 देशों ने भाग लिया। कितने? 37 देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कब और किसके बीच हुई? जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई थी। जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी। कब? 28 जून 1919 ईस्वी में। 28 जून 1919 ईस्वी में। युद्ध के हर जाने के रूप में जर्मनी से कितनी राशि की मांग की गई थी? 6 अरब 50 करोड़ की राशि की जो है मांग की गई थी युद्ध के हर जाने के रूप में। किससे? जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा योगदान क्या था? राष्ट्रसंघ की स्थापना। क्या था उसका योगदान? राष्ट्रसंघ की स्थापना। दूसरा विश्व युद्ध कितने सालों तक लड़ा गया? 6 वर्षों तक। वो कब से कब तक लड़ा गया था? 1939 से लेकर 1945 तक। 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक जो दूसरा विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो लड़ा गया था। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश बना? वो बना था स्पेन। कौन सा देश? स्पेन। सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण करने की योजना को कहा जाता है या कहा गया, उसका नाम था बारबोसा। क्या नाम था? बारबोसा। ये भी पूछा जा सकता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने कब प्रवेश किया? 10 जून 1940 ईस्वी में। कब? कब किया? 10 जून 1940 ईस्वी में। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 8 सितंबर 1941 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उस समय इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन था? विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वर्साई की संधि। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि वर्साई की संधि को किस नाम से जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? रूस को। किसे जाता है? रूस को। अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल कब किया? 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पर? हिरोशिमा और नागासाकी, 6 और 7 अगस्त को। ठीक है, और जगह कौन सी थी? हिरोशिमा और नागासाकी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान। कौन सा था अंतिम देश? जापान। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। चीन पहुँचने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो ये था मार्को पोलो। के प्रथम जो यूरोपियन था चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो ये था मार्को पोलो। कौन था? मार्को पोलो। और ये कौन था? एक यूरोपियन। समाजवाद शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया?
रॉबर्ट ओवेन ने। किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। और इसने ही क्या किया? समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। कौन था? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। ये भी बहुत बार पूछा जाता है और पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत बार आता है ये जीके के अंदर। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सेंट साइमन को। सेंट साइमन को किसे माना जाता है? सेंट साइमन को। किसको माना जाता है? सेंट साइमन को, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक। फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? ये किया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। किसने किया? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। लंदन में फैबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1884 में। दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जार। क्या कहा जाता था? जार। जाराशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई? 1917 में। कब समाप्त हुई? 1917 ईस्वी में। जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है अलेक्जेंडर द्वितीय को। ये भी इम्पोर्टेंट है। अलेक्जेंडर द्वितीय को जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। रूस का अंतिम जार कौन था, यानी शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। और कहाँ का? रूस का अंतिम शासक। नेक्स्ट है कि रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। कब हुई? 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। 1917 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, यानी मेन रीज़न क्या था उस टाइम का? तो वो था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस की हार हुई थी, वो इसका मेन रीज़न था। किसका? 1917 की क्रांति का। बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुई? बोल्शेविक का क्या अर्थ था? बहुसंख्यक, यानी जिसकी संख्या ज़्यादा हो। ये शुरू हुई थी क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति शुरू हुई थी। लेनिन ने किसका संगठन किया था? चेका का। किसका संगठन किया? चेका का। लाल सेना का संगठन किसने किया? ट्रॉट्स्की ने। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कैसे हुई? बम विस्फोट के कारण। कैसे हुई उसकी हत्या? बम विस्फोट के। कैसे हुई जार ने कैसे हुई जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या? बम विस्फोट के कारण। रूस में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी? स्लाव लोगों की। किसकी थी? स्लाव लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? स्लाव लोगों की, जो भी ने पढ़ा है। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है तुर्गेनेव को। किसको? तुर्गेनेव को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानीव को। किसे माना जाता है? प्लेखानीव को। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब और कहां पर हुई? 1903 में रूस में। कहां पर? 1903 में रूस में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल्शेविक दल का नेता कौन था, यानी जो बहुसंख्यक दल था उसका नेता कौन था? वो था लेनिन। कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेनिन ने रूस में कब क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की? 16 अप्रैल 1917 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1917 को लेनिन ने रूस में क्रांति योजना प्रकाशित की। इस योजना को किस नाम से जाना जाता है? इस योजना को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। रूस में नई आर्थिक नीति किसने और कब लागू की? 1921 में लेनिन ने की थी। कब? 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को। ठीक है, किसे माना जाता है? स्टालिन को। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। राइट्स ऑफ मैन का लेखक किसे कहा जाता है या कौन है? टॉम्स पेन। ठीक है, टॉम्स पेन को
राइट्स ऑफ मैन का लेखक कहा जाता है या है वो। मदर की रचना किसने की, ये की थी मैक्सिम गॉर्गी ने। किसने की, मैक्सिम गॉर्गी ने। स्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था, ट्रॉट्स्की। कौन था, ट्रॉट्स्की। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, लेनिन का क्या नारा था उस समय, तो वो था युद्ध का अंत करो। कौन सा नारा था, युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन था, फ्रेडरिक एंजेलस। कौन था, फ्रेडरिक एंजेलस। मंचू राजवंश का पतन कब हुआ, 1911 ईस्वी में। चीनी क्रांति का आगाज कब हुआ, 1911 ईस्वी में। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, पर हमें याद रखना है कि चीनी क्रांति का आगाज कब हुआ और मंचू राजवंश का शासन का जो पतन वो कब हुआ, 1911 में। ठीक है, मंचू राजवंश का पतन हुआ और तभी क्या हुई, चीनी क्रांति का आगाज शुरू हो गया था। दोनों ही कब हुए, 1911 ईस्वी में। चीनी क्रांति का नायक कौन था, सन यात सेन। कौन था, सन यात सेन। सन यात सेन ने किस दल की स्थापना की, तुंग मेंग दल की स्थापना 1905 में की थी सन यात सेन ने। तुंग मेंग दल की स्थापना का मकसद क्या था, यानी मेन मोटिव क्या था उसका, वो था चीन में मंजू, ठीक है, मंजू जो शासक है या मंचू शासक है उसको खत्म करना था, और उन्होंने 1911 में से खत्म भी कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांतिकारियों ने सन यात सेन को अपनी सरकार की अध्यक्ष कब चुना, 29 दिसंबर 1911 ईस्वी को अपनी सरकार की अध्यक्ष चुना। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना कब हुई, 1911 ईस्वी के बाद। कब हुई, 1911 ईस्वी के बाद। कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक कौन था, सन यात सेन। कौन था, सन यात सेन, कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक। या किसके समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस लिया, युआन शी काई। किसके नेतृत्व में, युआन शी काई के समर्थन में अपना जो नेतृत्व था वो उसने वापस ले लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।